अभी हमने प्रियंका को गाड़ी चलाने सिखाए, आपने देख ही लिया होगा। कैसी लगी प्रियंका? ये इतना डर रही थी ना, इसको डांट डांट के मैंने बोला, ये करिए नहीं 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 नहीं, मैंने इसको डांटा और इसको समझाया नहीं, डायरेक्ट दे दिया। और मैं भी कंट्रोल कर रहा था, ये भी तो इसको बहुत मतलब महसूस हुआ कि हाँ चला पाऊंगी। आगे चल के चालू होती है या मतलब ऐसे करके या ऐसे? इसको अभी नॉलेज ही नहीं है, लेकिन ना धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे इसको स्कूटी नहीं सिखाना है, कार सिखाना है। तो ये वैसे इसको बैलेंस बना, आपने देख ही लिया होगा, बैलेंस तो मतलब मैंने पकड़ा था। और बाबू बीच में रोने लगा कि मम्मी पापा छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये डर गया था। तो बाबू कैसा लगा गाड़ी चलाने में? वो डर गया, हंस रहा है वहाँ पे। तो हम लोग जहाँ पे कैमरा रखे थे वहाँ पे कुत्ता भी आ गए थे, वो सुसु करने के लिए उसको भगाया मैंने। हाँ भाग गया। अब प्रियंका आज खुश हो गई क्या प्रियंका? ये सीख जाएगी, ये डरती है, इसको आत्मविश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूँ ये ना। हाँ मतलब वही कर सकती है, ये डरती है ना, जो इंसान डरता है ना वो कम काम कर पाता है। अरे जब मैं पकड़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चला मैं क्या बताऊँ, वैसे इसको क्या समझ में आएगा? देख एक बात बताता हूँ, इस लेटर की बात अलग है। देख तेरे को ना नाम जानने से क्या मतलब है, तेरे को प्रैक्टिकल किया जा रहा है ना, तो तेरे को ज़्यादा उससे समझ में आएगा। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं, मैं जब बता तो रहा था ना कि ये एस्केलेटर है, इसको ना दबाओ दबाओ, तो कर यार एस्केलेटर क्या होता है? जब मैं कह रहा हूँ ना कि इसको ये वाला हैंड है ना, इसको थोड़ी सी ना दबाओ दबाओ, हैंडल को अरे एस्केलेटर को एस्केलेटर बोला जाता है, हैंडल को थोड़े नहीं। ये पूरा हैंडल होता है और एक थोड़ी सी ना राइट हैंड में होता है ना, वो एस्केलेटर होती है। इसको मैंने ना थोड़ी सी बैलेंस बनाया, समझ गई। और चलाएगी क्या प्रियंका? इसको मैं थोड़ा सा संभाला, लेकिन आप देखो कितना बड़ा फील्ड है, यहीं पे कार लेके आएंगे, इसको सिखाएंगे जगह से। यहाँ पे फील्ड बहुत मस्त है, तो अभी इसको मतलब ट्रायल था आज, पहली बार लाइफ में स्कूटी पे बैठी थी। तो चलो अब चलते हैं घर पे। और हम लोग का यहाँ से घर है लगभग ना 18 किलोमीटर, तो अच्छा रहा। और एक जगह भी गिरे भी नहीं क्या प्रियंका? एक जगह भी नहीं गिरे ना, अनबैलेंस हुआ, क्योंकि मैंने एक हैंडल पकड़ रखा था ना, और इसको मैं एस्केलेटर समझाना चाहता रहा था कि ये एस्केलेटर का मतलब समझ जाए कि गाड़ी कितनी स्पीड में रुकेगी, कितनी स्पीड में चलेगी, कितना दबाना चाहिए, वो प्रैक्टिकल मैंने समझाया इसको। समझ में आ गया, समझ में आया ना? हाँ हाँ कम किया जाता है, तो इसको समझ में आया। थोड़ा बहुत मोड़ भी ले रही है अब अपने से, हैंडल तो मैंने नहीं छोड़ा कभी, एक हाथ से पकड़ा था, लेकिन समझ में आया इसको। अभी हम आ गए हैं घर पे और प्रियंका को मैंने स्कूटी चलाने सिखाया। हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि मैं एक साइड ही रोक पाता ना, दूसरी साइड तो नहीं ना। तो मैंने फिर भी ना ट्राई किया कि चलो गिरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर इसलिए नहीं लग रहा था ना कि जो भी वहाँ पर समतल था, जमीन था, वो धूल मिट्टी था, उसमें गिरने पे चोट बिल्कुल नहीं लगता, इतनी धूल था वो। इतना धूल की वजह से ना हम लोग का पैंट और गाड़ी ना इतनी धूल से गंदी हो गई, तो मतलब डर नहीं लगा। और प्रियंका को अच्छे से मैंने सिखाया, इसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैं चला पाऊँगी, मैंने डायरेक्ट दे दिया, तो काफ़ी इसको महसूस हुआ कि हाँ मैं भी चला पाऊँगी। तो अगली बार ना ऐसे धीरे 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 करते करते ना मैं इसको मतलब कोशिश करूँगा कि सीख जाए, क्योंकि मैं कभी कहीं गया हूँ और कुछ सामान ले आना हो मार्केट से, तो या बाबू को स्कूल छोड़ना हो जब बड़ा हो जाएगा तो ये आराम से जा सकती है, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया और अच्छा भी लगा। तो यही है कि अब वो भी चलाने सीख जाएगी। वैसे तो इसको कार चलाने सिखाएंगे, क्योंकि कार में ज़्यादा सेफ्टी होता ना, इसमें तो हाथ पाँव टूट ही जाएगा गिरने पे, उसमें गिरने का डर नहीं रहता, तो उसमें गाड़ी का ही टूटने फूटने का डर रहेगा, तो इसीलिए हम इसको कार चलाने सिखाएंगे। तो अभी वैसे ही ट्राई कर रहा था, लेकिन इसका डर भगाने के लिए, तो डर तो भग गया है। और बाबू बहुत डर गया था कि हमारे को मम्मी छोड़ के भाग रही है, तो ये डर गया था, तो ये बहुत रो भी रहा था। तो आज की व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।